हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना इंटेक्स के इस फ़ोन में फुल शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करना है वो दिखाऊंगा। देखिए, ये फ़ोन जो है वो शॉर्ट है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव पे चेक करेंगे, देखिए 7 पॉइंट जो है ना बीप के साथ 78 रीडिंग शो कर रहा है, ये ऑलमोस्ट फुल शॉर्टिंग के करीब है, ठीक है। और देखिए, पोल चेंज करने के बाद भी सेम रीडिंग है, यानी ये कहीं ना कहीं से फ़ोन जो है वो शॉर्ट है। कस्टमर ने मुझे जैसा बताया कि ये हल्का वाटर डैमेज है, ठीक है, तो मैं चेक कर लेते हैं अभी। इस फ़ोन को हम ओपन कर लेंगे, सारे स्क्रूज को रिमूव करेंगे। देखिए, अभी जो है सारे स्क्रू वो रिमूव हो चुके हैं, फ़ोन को हम ओपन कर रहे हैं। तो अभी ये फ़ोन हमने ओपन कर दिया है और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे वाटर डैमेज के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो है ना फ़ोन में कारीगरी की हुई है, क्योंकि ऊपर की जो कवर्स है वो निकली हुई है, यहाँ पे जो कवर्स है ना वो निकले हुए हैं। तो इस हिसाब से जो है ना कस्टमर ने कहीं ना कहीं इस फ़ोन को रिपेयर कराया। मैं आपको पूरे बोर्ड की हालत चेक करके बताता हूँ। खोल लेते हैं फ़ोन को। देखिए, अभी सारी स्ट्रिप्स को जो है हम वो रिमूव करेंगे। ये डिस्प्ले की स्ट्रिप है, इसको निकालेंगे, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर टच की भी स्ट्रिप निकाल लेते हैं। ये दोनों स्ट्रिप निकाल दिए। मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड कि वो स्ट्रिप जो है वो डैमेज है, ऑलमोस्ट इसके 3 to 4 लेयर डैमेज है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। लाइट ज़्यादा है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, अभी शायद आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे कि थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड इसको रिपेयर करना, क्योंकि ये 3 to 4 है, तो कोशिश करूंगा मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखाने की कि कैसे ये सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट बोर्ड पे जो है ना वो पूरी कारीगरी की गई है, वाटर डैमेज के साथ साथ फ़ोन की स्ट्रिप कटी हुई है, इसीलिए किसी कारीगर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया फ़ोन को रिपेयर करने में और कस्टमर को बोल दिया है कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले और ऑलमोस्ट जो है शॉर्टिंग, तो इस हिसाब से उसने शायद फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उसने पैनल रिमूव किया। देखिए, मेन आईसी पे भी कोई पैनल नहीं है, जो मेन आईसी है फ्लैश और रैम की उस पर भी कोई कवर्स नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है ना एक आईसी लगी हुई है, उसके नीचे जो है ना शॉर्टिंग के निशान है, तो अगर ये हम रिमूव कर देंगे तो शायद शॉर्टिंग निकल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। देखिए, वहाँ पे जो है ना वाइट आईसी के जो कॉन्टेक्ट, देखिए आप वहाँ पे जो है ना वाइट ये शॉर्टिंग है पूरा। तो ऐसे आईसीस को कैसे रिबॉलिंग करते हैं मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा कि कैसे रिमूव करते हैं। देखिए, वाटर जो है ना ये आईसी के अंदर है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम अलमा का यूज़ करेंगे। अलमा एक लिक्विड होता है जो मोबाइल शॉप्स पे आपको अवेलेबल है, मार्केट्स में मिल जाएगा ये अलमा लिक्विड। तो अलवा लिक्विड में जो है ना जहाँ पे भी आपको वाटर डैमेज हो या पूरे कैमरे को निकाल के सर्किट को आप अलमा में रख सकते हो, ऑलमोस्ट 3 to 4 hours, 2 hours, 1 hour, जैसा भी आप रखना चाहो। तो अभी ये अलमा की लिक्विड जो है मैंने स्ट्रॉन्ग बनाई है, उस हिसाब से मैं वहाँ पे जो है ना डाल के थोड़े टाइम तक वेट करेंगे हम। ऑलमोस्ट 1/2 hours मैंने रखा है रही इसको। तो अभी देखिए, ऑलमोस्ट अब जो है ना उसे क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से, आईपी लगा के जो है ना पूरा क्लीन करेंगे। अलमा जो होता है ना, ये वाटर के जो मार्क्स होते हैं वाइट जो जंग्स लगे होते हैं एल्युमिनियम पे, वो रिमूव कर देता है, तो अभी इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से। देखिए, अभी जो है क्लीन कर लिया थोड़ा अच्छे से। मैं आपको रिबॉलिंग बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे रिबॉलिंग होती है,
क्योंकि अगर आईसी निकाल के भी रिबॉलिंग ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं रिबॉलिंग कैसे करता हूं। जहां पे भी मुझे डाउट होता है मैं फर्स्ट स्टेप ऐसे ही ट्राई करता हूं। तो अब देखिए, इसे जो है आईपी से हमने धोया है, ऑलमा से धोया है, तो अब थोड़ा सुखा लेते हैं। उसके बाद उस पर जो है ना पैस्ट लगा के रिबॉलिंग करेंगे बोर्ड पर ही। जैसे हम आईसी को हिट करते हैं वैसी रिबॉलिंग की जाती है, लेकिन उसमें एयर थोड़ा आपको ज़्यादा रखना होता है ब्लोअर का, और हीट जो है वो कम रखनी होती है, क्योंकि खाली जो है ना जो ऑयल होता है जो पेस्ट हम लगा रहे हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आईसी के अंदर तक जाए, जो वाटर डैमेज से शॉर्टिंग क्रिएट हुई हो आईसी में वो रिमूव हो जाए। मेरी कोशिश रहती है यही करने की। देखिए, अभी मैंने आईपी लगा दिया है उस पर, आईपी नहीं सॉरी पेस्ट, पेस्ट लगा दिया है। अब जो ब्लोअर को ऑलमोस्ट जो है ना 200, 150 to 200 टेम्परेचर पे रखेंगे, और उसके बाद जो है ना एयर को ऑलमोस्ट 4 या 5 पे रखना है आपको मिनिमम एयर, ठीक है। और उसके बाद हल्का हीट करना है, थोड़े टाइम तक हीट करना है, ताकि वो जो है पेस्ट हमने लगाया है उस पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके आईसी के अंदर तक जाए, और उसमें जो एल्युमिनियम्स के जंग लगे होंगे वाटर के वो रिमूव हो जाए, ठीक है। आपको ऐसे हिला के रखना है वहाँ पर, ताकि वो जो ऑयल है सॉरी मतलब लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है पेस्ट, तो वो जो है आईसी के अंदर से जो है ना वाटर डैमेज को रिमूव कर दे। वाटर डैमेज की वजह से जो शॉर्टिंग हुई है बॉल्स के बीच में वो निकल जाए, ठीक है, पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टिंग्स होती है। कुछ टाइम करने के बाद हम इसे क्लीन करेंगे फ्रेंड। ये भी एक तरीके की रिबॉलिंग है, क्योंकि जो पॉइंट्स है वो शॉर्टिंग अगर इस तरीके से नहीं निकलती तो फिर हमें आईसी निकाल के करनी पड़ती। और वैसे में क्या है कि आपके पास स्टेंसिल होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर जो परफेक्ट वहाँ पे तो ही हो पाएगा। तो हर आईसी की स्टेंसिल अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। अभी फिर से हम अल्मा का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, अलमा से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे पूरे वहाँ पे। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वॉश करके कैसे फ़ोन की शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हो, मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं लेकिन उसमें कंपोनेंट शॉर्टिंग थे। ये वाटर डैमेज फ़ोन है, तो इसे कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमने क्लीन कर लिया है, थोड़ा बोर्ड पे भी क्लीन कर लेते हैं। अब उसे अच्छी तरीके से सुखा देंगे। अभी अच्छे से सुखा देंगे एयर से, ठीक है। सुखाने के बाद जो है ना हम चेक करेंगे कि फ़ोन की शॉर्टिंग रिमूव हुई है या नहीं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये फ़ोन की जो है ना डिस्प्ले कनेक्टर भी ब्रेक है। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे पैनल्स रिमूव किए हैं, किसी मैकेनिक ने कोशिश की है लेकिन उसका ध्यान उस आईसी पे नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वाटर डैमेज जो है कनेक्टर में भी दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक कलर का स्पॉट्स। आई होप कि ये कनेक्टर के पिन जो है वो डैमेज ना हुए हो, क्योंकि अगर ये डैमेज हुआ तो मुझे कनेक्टर रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, और वैसे भी किसी जो है ना डिस्प्ले स्ट्रिप भी काफ़ी बैंड है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा फ़ोन को रिपेयर करने में। तो इस बार इसे अच्छे से क्लीन करके चेक करते हैं कि शायद कुछ हो जाए।
ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा जा रही है फ्रेंड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ़ोन की जो है लाइट वे को कैसे रिपेयर करते हैं और उस स्ट्रिप को कैसे रिपेयर करेंगे जो बैंड है, ठीक है। क्योंकि जिस जो सारे पॉइंट डैमेज है उन किन चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसी स्ट्रिप को रिपेयर किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल इसमें जो है हमने कनेक्टर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और आई होप कि ये अच्छा वर्क करेगा क्योंकि इसके प्रिंट जो है ठीक ठाक है। तो मैं आपको चेक करके इसमें जो है ना देखिए अभी उसे साफ किया है तो फिर उसे सुखा लेते हैं थोड़ा सा हीट देके, क्योंकि क्या है जो आईपी है वो लगी रहेगी तो फ़ोन में शॉर्टिंग बता सकती है या फिर कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो आप जब भी आईपी का यूज़ करें या आलमा का यूज़ करें या और किसी भी लिक्विड को यूज़ करें बोर्ड पर तो उसे पूरी कोशिश करें कि उसे सुखाने के बाद ही डीसी सप्लाई दें। अभी ये ऑलमोस्ट मैंने सुखा दिया है, सूख भी चुका है बोर्ड। तो अब हम चेक करेंगे कि जो इसकी जो है शॉर्टिंग रिमूव हुई है या नहीं। मीटर चेक ले लेते हैं, मीटर से चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मीटर है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा है मैंने इसको, नहीं सॉरी कंटिन्यूटी की रेंज पे रख दिया है हम। तो अब जो है चेक कर लेते हैं, देखिए शॉर्टिंग जो है वो रिमूव हो चुकी है। ऑलमोस्ट 340 350 के आसपास की रीडिंग्स होती है ऑन फोन की पॉजिटिव नेगेटिव से, और नेगेटिव पॉजिटिव से जो रीडिंग होगी ये 1400 पे ब्लिंक करेगी या कुछ फ़ोन में कांस्टेंट रीडिंग होती है। तो इस तरीके से जो है ना फ़ोन की शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं वॉश करके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसकी LCD वे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन फ्यूचर मेरे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब।